हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन, कीप वॉचिंग INN24। नमस्कार, स्वागत है आपका INN24 पर। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। शहर के प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में हुआ गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने फहराया तिरंगा। मार्च पास्ट और परेड की ली सलामी। शहीदों के परिजनों से भी की भेंट। करतला के नूनदरहा में नियम कायदों को किया गया दरकिनार। शुष्क दिवस पर हॉस्टल के बच्चों को परोसा गया चिकन। अधीक्षक अमित धीरज पर हॉस्टल से गायब रहने का भी आरोप। रेलवे ने शहर के लोगों को दी फौरी राहत। बंद की गई हसदेव एक्सप्रेस का फिर से शुरू हुआ परिचालन। ग्योरा तक किया गया है विस्तार। सुबह चलने वाली मेमू की गई बंद। सीएसईबी जूनियर क्लब में महरा वस्त्रकार समाज का युवक युवती सम्मेलन। अपरिहार्य कारणों से नहीं पहुंच पाए मुख्य अतिथि जयसिंह अग्रवाल। सामाजिक नेताओं ने डॉक्टर रमन सिंह की पिछली सरकार पर लगाया समाज की अनदेखी का आरोप। और कटघोरा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 70वां गणतंत्र दिवस। नगर पालिका अध्यक्ष के बजाय स्थानीय विधायक ने किया ध्वजारोहण। बारिश के बीच भी स्कूली बच्चों में नजर आया उत्साह। 70वां गणतंत्र दिवस कोरबा जिले में धूमधाम से मनाया गया। गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शनी इंदिरा स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का भी वाचन किया। श्री अग्रवाल ने कोरबा वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए अग्रणी छत्तीसगढ़ के निर्माण में सहयोग की अपील की। इस अवसर पर अनेकता में एकता के प्रतीक गुब्बारे भी आकाश में छोड़े गए। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं योग और पीटी का प्रदर्शन किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले के 12 शहीदों के परिजनों का शॉल श्रीफल भेंट कर विशेष सम्मान किया गया और उनकी शहादत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। मुख्य समारोह में सशस्त्र सुरक्षा बलों, एनसीसी और स्काउट गाइड की 12 दलों ने परेड कमांडर RI संजय कुमार साहू एवं सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप के नेतृत्व में आकर्षक मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। हर्ष फायर हमारे परेड में शामिल है टुकड़ियों के द्वारा। आयोजित समारोह में माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, उद्बोधन में क्षेत्र की जनता को संबोधित करता हूँ। प्रिय बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों,
17वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह अवसर भारत के गौरवशाली अतीत को याद करने का है जिसके दो महान अध्याय हैं, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 तथा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950। भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अनगिनत लोगों ने जान की बाजी लगाई थी। भारत का संविधान बनाने में भी अनेक महान विभूतियों का अथक योगदान दर्ज है। देश के 7 दशकों के सफर को दिशा देने वाली विभूतियों तथा तन मन धन से योगदान देने वाले जन जन को मैं नमन करता हूँ। भारत की आज़ादी की लड़ाई की पहली मशाल जलाने में छत्तीसगढ़ के वीरों का योगदान भी दर्ज है। शहीद गेंद सिंह, वीर गुंदर दूर, शहीद वीर नारायण सिंह ने जो अलग जगाई थी उसमें छत्तीसगढ़ का कोना कोना और जन जन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया था। प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उनके साथ जिला कलेक्टर नीरज बंसोड़ और एसपी आरएन दास भी मौजूद थे। डॉक्टर महंत ने ध्वजारोहण के बाद मार्च पास्ट और परेड की सलामी ली, जिसके पश्चात उन्होंने झांकियों का अवलोकन किया। डॉक्टर महंत ने प्रदेश वासियों और जिले वासियों के नाम संदेश का वाचन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकारगण और पूरा प्रशासनिक अमला भी उपस्थित रहा। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने जगदलपुर में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। प्रोटोकॉल के तहत जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण करने वाले मुख्य अतिथि को ध्वजारोहण के बाद सीएम का संदेश वाचन करना होता है, लेकिन मंत्री कवासी लखमा के सामने एक बार फिर उनके ना पढ़ पाने की समस्या आ गई और सीएम के संदेश को जिला कलेक्टर अयाज तंबोली ने पढ़कर जनता तक पहुंचाया। बता दें कि उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा कोटा विधानसभा से 5 बार के विधायक हैं और उनकी गिनती प्रदेश के कुछ सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं में की जाती है, लेकिन अति पिछड़े बैकग्राउंड में आने वाले लखमा को कभी पढ़ाई का मौका नहीं मिल पाया था। दंतेवाड़ा के घोर नक्सल क्षेत्र इंद्रावती नदी पार कर दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव अपने जवानों के साथ पहुंचकर ध्वजारोहण किए। जहां नक्सली काला दिवस मनाया करते थे वहां तिरंगा फहराया गया। दरअसल दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी के पार बसा लिबरेटेड जोन जो गणतंत्र की नहीं गणतंत्र की दम पर आदिवासी जनतंत्र पर आजादी के बाद से अब तक लाल हुकूमत चलती आ रही थी, जहां तिरंगा की जगह लाल झंडा अब तक नक्सलियों के द्वारा फहराया जाता रहा है, मगर इस बार दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने इंद्रावती तट पर बसे छिंदनार घाट पर 70वां गणतंत्र दिवस का तिरंगा फहराने नदी को पार कर जवानों के साथ पहुंचे, क्योंकि जल्द ही इस इंद्रावती नदी पर एक पुल का निर्माण शुरू होने वाला है, जिस पुल की मांग नदी के पार बसे नक्सल इलाके के 12 से 13 गांव से लगातार बरसों से मांग रही थी। जल्द ही जवानों के द्वारा इंद्रावती नदी पर पुल का निर्माण होगा। दंतेवाड़ा एसपी इसी नदी के पार पहुंचकर ध्वजारोहण किए, राष्ट्रीय गीत के साथ तिरंगा फहराया गया। एसपी और जवानों ने नक्सलियों को करारा जवाब भी दिया, साथ ही नदी किनारे पौधा भी लगाया गया, ग्रामीणों को मिठाई भी बांटी गई। नक्सलियों का राज चलता है, 26 जनवरी 15 अगस्त को वहाँ पर काले झंडे फहराया जाया करते थे। गांव वालों की लगातार डिमांड थी कि यहाँ पे पुलिया बने। पुलिया ना बनने से हर साल 4 से 5 लोग डूब के मर जाते थे और 5 से 6 महीने ये इलाके जो हैं प्रशासन और पुलिस के लिए पहुँच विहीन हुआ करते थे, जिसके कारण यहाँ नक्सलवाद पनप रहा था। इस बार जब गांव वालों यहाँ के जो सरपंच हैं उनकी नक्सलियों ने निर्मम हत्या भी की 6 महीने पहले जब उन्होंने पुल का डिमांड किया, तो उन्हीं को होमेज पे करते हुए हमने जो है डिसाइड किया कि क्योंकि इंद्रावती पे हमारा सीएफ का कैंप लगा है छिंदनार कैंप, जो कि यहाँ पे 2 ब्रिज बनने वाले हैं 35-35 करोड़ के, जो कि छिंदनार में और आगे जाके पाहुरनार को जोड़ेगा और छोटे कड़का को जोड़ने के लिए मुस्तनार से बन रहा है, तो निश्चित रूप से करीब 5 से 10 हज़ार ग्रामीण जो है वो प्रशासन से जो जुड़ पाएंगे, पुलिस से जुड़ पाएंगे और हम नक्सलियों को कम से कम 100 से 200 स्क्वायर किलोमीटर जो है पीछे ढकेल पाएंगे, क्योंकि इंद्रावती एक बैरियर था। तो इंद्रावती में आज़ादी का सिंबल है कि 26 जनवरी को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उन 10,000 लोगों तक पहुंच पाएगा जो पहुंच नहीं पाता था, और निश्चित रूप से जब से कैंप लगा है ग्रामीण लगातार पुलिस का समर्थन कर रहे हैं। यही कारण है कि हमें चैलेंज के रूप में लिया और सुबह सुबह यहाँ पर जो है झंडा फहरा रहे हैं, जो कि दिखा रहा है कि अब
अब पुलिस की और जनता की इन जंगलों में चलेगी, ना कि नक्सलियों की। सुबह से हो रही बारिश की बौछार के बीच भी कटघोरा के स्कूल मैदान में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे और शहरवासियों का जमावड़ा नजर आया। दूसरी तरफ मार्च पास्ट और परेड के लिए तैयार बच्चे भी आकर्षक परिधान और यूनिफॉर्म में दिखे। इस बार कटघोरा के इतिहास के लिए 70वां गणतंत्र दिवस बेहद खास था। दरअसल नगर अध्यक्षों के द्वारा ध्वजारोहण कराए जाने के बीच इस बार क्षेत्रीय विधायक को यह अवसर मिला था। उनके साथ शहर के वरिष्ठ नेतागण और गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में शासकीय कर्मचारी और स्कूली स्टाफ के लोग भी मौजूद थे। ध्वजारोहण के पश्चात राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। इसके पश्चात मार्च पास्ट और परेड की सलामी विधायक पुरुषोत्तम कंवर ने ली। इसके तुरंत बाद पीटी का आयोजन और फिर आकर्षक विभागीय झांकियों का जीवंत प्रदर्शन हुआ। इन सभी कार्यक्रमों के बाद प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तर के नृत्य व गायन का भी रंगारंग आयोजन हुआ। समूचे समारोह में पुरुषोत्तम कंवर के मुख्य आतिथ्य में नगर पालिका उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल, अनुविभागीय दंडाधिकारी राजेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष डॉक्टर शेख इश्तियाक, चंपा देवी साहू, युवा नेता आकाश शर्मा, फरीद खान, हसन अली, केशव मित्तल, हितेश अग्रवाल, सुमित दहलानी, राज जायसवाल के अलावा अन्य पार्षद और नेतागण मौजूद रहे। क्षेत्रीय सांसद और कमला नेहरू कॉलेज के शिक्षण समिति के प्रमुख डॉक्टर बंशी लाल ने गणतंत्र दिवस के मौके पर कमला नेहरू कॉलेज में ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने कॉलेज के छात्र छात्राएं और कॉलेज स्टाफ को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम के बाद मीडिया से हुई बातचीत में सांसद ने कहा कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। यह मौका है बधाइयों का और हर्षोल्लास का। हम किस तरह अपने देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना है, इस पर विचार करना होगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम हमेशा तिरंगे की आन बान और शान को बनाए रखें। हमारी कोशिश यह भी होनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर हमारे तिरंगे पर आँच ना आने पाए। मैं कमला नेहरू महाविद्यालय शिक्षण समिति के अध्यक्ष होने के नाते मेरे इस परिक्षेत्र में अध्ययन करने वाले सभी छात्र छात्राओं को, उनके अभिभावकों को अपनी ओर से इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर, अगर हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कोई पर्व है तो या तो स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस, और इस गणतंत्र दिवस पर मैं पूरी क्षेत्र की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। और इस तिरंगा का मान तो तभी है जब इसको हम लोग अंगीकार किए हैं और उसकी जितनी ज़्यादा हम लोग सुरक्षित रखें और किसी प्रकार से हमारे तिरंगा पे आंच न आए, यही 26 जनवरी का मूल मंत्र है। ध्वजारोहण समारोह में करीब एक घंटे से ज्यादा देर तक सांसद डॉक्टर बंशीलाल महतो कॉलेज में ठहरे रहे। उन्होंने अलग अलग मसले पर वहां के स्टाफ से विस्तार में चर्चा की और छात्र छात्राओं के साथ फोटो भी खिंचवाए। 26 जनवरी को इंदिरा स्टेडियम में हुए मुख्य समारोह में जिला पुलिस बल के जवानों ने भी अपने शौर्य का प्रदर्शन किया। अलग अलग बलों की तरफ से परेड और मार्च पास्ट कर अपनी मजबूती और देश के लिए मर मिटने के जज्बे को सामने लाया। मुख्य समारोह में सशस्त्र सुरक्षा बलों, एनसीसी और स्काउट गाइड की 12 दलों ने परेड कमांडर RI संजय कुमार साहू एवं सूबेदार भुवनेश्वर कश्यप के नेतृत्व में आकर्षक मार्च पास्ट का प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। मार्च पास्ट में SIRN चौधरी के नेतृत्व में केंद्रीय सुरक्षा बल, प्लाटून कमांडर ललित सिंह राज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, SI कमलेश कुमार शेडे के नेतृत्व में जिला पुलिस बल पुरुष, ASI नीलम करकेट्टा के नेतृत्व में महिला जिला पुलिस बल और ASI श्री अजय सोनवानी के नेतृत्व में होमगार्ड के दल शामिल हुए। कांकेर के पखांजूर में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व धूमधाम से मनाया गया। पखांजूर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। यहां मुख्य अतिथि अंतागढ़ विधायक अनूप नाग ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। परेड के बाद निरीक्षण करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम का संदेश का वाचन किया। इस अवसर पर पखांजूर SDM व एडिशनल SP उपस्थित रहे। स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। मुख्य अतिथि के द्वारा शहीदों के परिजनों को शॉल, श्रीफल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया।
मुख्य अतिथि अनूप नाग के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं संदेश देते हुए कहा कि नई सरकार के द्वारा किसानों को कर्ज माफी कर प्रदेश में एक खुशी का माहौल निर्मित किए हैं, जिससे लोगों में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जिले के सभी स्कूल, कॉलेजों व सरकारी संस्थानों में तिरंगा झंडा फहराकर इस राष्ट्रीय पर्व को बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पखांजूर स्टेडियम में दिन भर स्कूल के बच्चों द्वारा नृत्य, देशभक्ति गीत, कविता का प्रदर्शन किया गया। निर्णायक दल द्वारा कार्यक्रम के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से नवाजा गया। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर पखांजूर के 25 स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बारिश और हवा के बीच भी बच्चों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया। गाइड कप कमांडर भूमिका बख्शी, रेड क्रॉस कप कमांडर उज्जवल दास, एनएसएस कप कमांडर गोकुल रजक बहुत ही अच्छे प्रस्तुत कर रहे हैं लोग। মাঠে কিন্তু লোক নাই ভালো তো হ্যালো গ্রাউন্ডে আমি আইসি শিবায়ত্তি কমান্ডার এনসিসি পাইলট মোহিত দাস। विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद चरणदास महंत पहली बार कोरिया जिले के 2 दिन के दौरे पर आए। इस दौरान उनका जगह जगह जोशीला स्वागत हुआ। बारिश के बाद भी मनिंद्रगढ़, बैकुंठपुर, चिरमिरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत में कोई कमी नहीं की। इस दौरान चरणदास महंत ने मनिंद्रगढ़ में वाटर ATM का भी उद्घाटन किया। यहाँ वे सांस्कृतिक भवन में आयोजित सम्मान समारोह में भी शामिल हुए। उनके आगमन पर राजनीति का अलग नजारा भी दिखाई दिया। महंत जब मनिंद्रगढ़ पहुंचे तो रास्ते में गाड़ी से उतरकर अपने पुराने दिनों के राजनीतिक साथी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष रामानुज अग्रवाल के घर भी गए और पुरानी यादें ताजा की। सम्मान समारोह में महंत ने कहा कि कोरिया जिले के विकास को लेकर उनकी चिंता हमेशा रही है और इस पद पर पहुंचने के बाद भी रहेगी। चिरमिरी में पहुंचने के बाद चिरमिरी में भी स्वागत की लाइन लग गई। चिरमिरी में जगह जगह स्वागत किया गया। चिरमिरी के वरिष्ठ श्रमिक नेता भागवत दुबे के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय राम कुमार दुबे के जीवन परिचय पर लिखी किताब का विमोचन किया। पत्रकारों ने नए जिले को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा, ऐसा अभी कुछ भी नहीं है। सदैव से मेरा बहुत प्यारा जिला रहा है। यहाँ मुझे विशेष स्नेह मिलता है और वो स्नेह यहाँ के जो शिल्पी थे आरसी सिंहदेव उनके कारण है। मैं बहुत यहाँ अपनापन महसूस करता हूँ, पारिवारिक वातावरण का आनंद लेता हूँ और किसी को डांटता भी हूँ, किसी को थपथपाता भी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सिंहदेव साहब कहने से यहाँ सांसद का चुनाव लड़ा था और उनके कहने से आया था, तब से मैंने इसे अपने मन में बसा लिया है, दिल में बसा लिया है। मैं समझता हूँ कि मैं इस पद पर रहने के बाद बेहतर प्रयास कर पाऊँगा। आपकी इच्छाओं को, आपकी कल्पनाओं को, आपके यहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनने जो सपने हैं उनको पूरा करने में मैं ज्यादा मददगार हो पाऊंगा, ऐसा मुझे लगता है। चरणदास महंत का कहीं स्वागत हुआ तो कहीं सम्मान समारोह में वे शामिल हुए। इस दौरान कुछ कार्यों का लोकार्पण भी किया तो विमोचन कार्यक्रम में भी वे शामिल हुए। इस इलाके के सांसद रह चुके महंत भी स्वागत से अभिभूत थे और उन्होंने अपना पूरा स्नेह जिले को देने की बात भी कही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने पुराने नेता के इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद हुए पहले आगमन पर जगह जगह फटाके फोड़कर खुशी का इजहार किया।
ऐतिहासिक गांधी चौक में गणतंत्र दिवस के मौके पर स्थानीय विधायक और शासन में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राज्य के लोगों के नाम संदेश का भी वाचन किया। ध्वजारोहण के दौरान महापौर रेणु अग्रवाल और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख राजकिशोर प्रसाद के अलावा बड़ी संख्या में कांग्रेस और दूसरे अनुषांगिक संगठनों के सदस्यों ने शिरकत की। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार आपको अतिरिक्त बधाई देने की इच्छा हो रही है क्योंकि इस बार हम सब के लिए यह अवसर लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत के बाद आया है। संविधान रखने वाले हमारे पूर्वजों ने लोकतंत्र का जो सपना देखा था, इस बार छत्तीसगढ़ की जनता ने उसे साकार किया है। जनता ने 15 वर्षों से राज्य में चले आ रहे दमन और दुष्चक्र को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई है। यही तो हमारे संविधान की विशेषता है कि वह अंत एक व्यक्ति को तंत्र चलाने और बदलने की ताकत देता है। इसी संविधान की वजह से वो ताकतें सत्ता से बाहर हो गई हैं, जो संविधान को बदलने का सपना देखती हैं और संविधान को कमजोर करने के लिए तरह तरह के कुचक्र रचती हैं। हमारा संविधान एक प्राणवान दस्तावेज है। हमारा संविधान लोकतंत्र एवं कानून के राज का, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का तथा हमारी देश की एकता को मजबूत करने वाला संविधान है, जिसमें महात्मा गांधी के आदर्शों की महक है, जिसमें नेहरू के सपनों के रंग हैं और जिसमें बाबा साहेब अंबेडकर के समतामूलक समाज की कल्पना शामिल है। नक्सलियों ने गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करते हुए 25 से 31 जनवरी तक बंद का आह्वान किया है। इस दौरान नक्सलियों ने अपनी दहशत फैलाने के लिए सुकमा के फांदीगुड़ा के पास एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने सुकमा कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस घटना को अंजाम दिया है। जानकारी के अनुसार देर रात हथियार बंद नक्सलियों ने ट्रक रोक उसे आग के हवाले कर दिया, साथ ही ट्रक चालक के साथ मारपीट भी की है। नक्सली बंद के चलते दक्षिण बस्तर के संवेदनशील इलाकों में बसों का परिचालन भी बंद है। इस घटना के बाद पूरे इलाके की सर्चिंग बढ़ा दी गई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वार्ड 35 हाउसिंग बोर्ड स्थित सेंट थॉमस स्कूल का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उत्सव वाटिका में आयोजित किया गया, जहां बच्चों ने अपने मनमोहक कार्यक्रम से लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सुमेर डालमिया अध्यक्ष चेयरमैन ऑफ कॉमर्स, पार्षद हितानंद अग्रवाल, डॉक्टर संजय राय, डॉक्टर मिसेज राय एवं पूर्व एल्डरमैन सत्येंद्र दुबे के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विजेता बच्चों को पुरस्कार वितरण किया गया। स्कूल प्रबंधन के मुखिया सेठिया परिवार भी मौजूद थे। बालको थाने में भी 70वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां थाना के प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर थाना के सभी आरक्षक, प्रधान आरक्षक, एएसआई और एसआई मौजूद रहे। ध्वजारोहण के साथ ही राष्ट्रीय गान गाया गया, जिसके बाद सभी पुलिस के जवानों ने देश की रक्षा और सप्रभुता बनाए रखने का संकल्प लिया। बस्तर के नारायणपुर में नक्सलियों ने जेसीबी मशीन को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि नक्सलियों ने वहां काम कर रहे लोगों को भी धमकियां दी हैं। आपको बता दें कि खेत से काम कर लौट रहे जेसीबी को 7 से 8 की संख्या में पहुंचे सशस्त्र नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। उन्होंने जेसीबी ऑपरेटर से भी जमकर मारपीट की और काम नहीं करने की भी चेतावनी दी। नक्सलियों ने बैनर पोस्टर फेंक कर भारत बंद को सफल बनाने की अपील भी की है। इस घटना के बाद ठेकेदार और मजदूरों में दहशत का माहौल है। एएसपी अनिल सोनी ने इस घटना की पुष्टि की है। बच्चे की अपहरण कर 5 लाख फिरौती मांगने वाले आरोपी को बलौदाबाजार पुलिस और जांजगीर चांपा पुलिस ने महज 7 घंटे के भीतर ही धर दबोचा। पुलिस ने अपहरित बच्चे को भी सकुशल बरामद कर लिया है। दरअसल घटना 25 जनवरी की सुबह 9:30 बजे की है, जहां थाना प्रभारी बिलाईगढ़ के पास कैथा गांव के रहने वाले कृष्ण कुमार साहू ने शिकायत की थी कि उनका 5 वर्षीय बेटा कुणाल साहू, जो कि सरस्वती शिशु मंदिर पवनी के KG2 क्लास में पढ़ता है, उसे किसी ने अपहरण कर लिया है। इतना ही नहीं बल्कि अपहरणकर्ता उनसे बतौर फिरौती 5 लाख रुपए की भी मांग कर रहे हैं।
कृष्णा कुमार ने बताया कि उनका बेटा कुणाल रोज की तरह स्कूल वैन में ड्राइवर सोया लाल साहू के साथ स्कूल के लिए सुबह रवाना हुआ था, जो अब तक घर नहीं पहुंचा है। तकरीबन सुबह 9:30 बजे ड्राइवर के मोबाइल पर एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया और कहा कि वह कुणाल साहू का दादा है, कुणाल टिफिन ले जाना भूल गया है, आप उसे पचरी के किसी एटीएम के पास उसे छोड़ दें, वह उसे स्कूल ले जाएंगे। इस वाक्य के बाद ड्राइवर ने बच्चे को पचरी गांव के एटीएम के सामने छोड़ दिया। काफी देर बाद भी जब बच्चा स्कूल नहीं पहुंचा, तब पेरेंट्स को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद वे लोग थाना पहुंच गए। उसी बीच बच्चे के पिता के पास आरोपी का फोन आया और 5 लाख रुपए फिरौती की मांग की। पुलिस ने इस फोन कॉल के बाद अपना जाल बिछाना शुरू किया। थाना बिलाईगढ़ के एक 5-6 साल बच्चे के अपहरण की सूचना को जांजगीर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा डबरा टीआई को निर्देशित किया गया कि लोकेशन तुम्हारे डबरा क्षेत्र में बता रहा है। बाद में अपहरणकर्ता का लोकेशन बलौदा बाजार पुलिस अधीक्षक एवं जांजगीर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में बलौदा बाजार टीआई और डबरा टीआई विनोद मंडावी के द्वारा मौके पर जाकर उक्त बच्चे को सकुशल अपहरणकर्ता के चुंगुल से बचाया गया एवं अचानक भागने लगा। उसे अपहरणकर्ता को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी ने तत्काल इस बात की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जहां पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल और पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा ने तत्काल रायपुर और बलौदा बाजार ATS और सरहदी जिला जांजगीर चांपा के अधिकारियों और जवानों को मिलाकर कुल 6 टीम बनाकर सभी को अलग अलग क्षेत्रों में रवाना किया। वही इस पुलिस की संयुक्त टीम ने आखिरकार महज 7 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार किया। कुणाल को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि इस घटना को अंजाम देने वाला आरोपी कोई और नहीं बल्कि गांव का ही दुर्गेश साहू निकला, जिसे मौके पर गिरफ्तार कर उचित कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया है। उनसे कोई भी जाति दुश्मनी ऐसा नहीं था। वो मेरे ख्याल से पैसा फिरौती की वजह से लगता है मेरे को, उसका पुराना केस और था बोला जाए। पिछले बार वो ना हमारे गांव का दुकान को जला दिया, ठेला, पिछले बार की घटना है। तो हम लोग गोरबा CCTV फुटेज के माध्यम से ना देखे तो स्कार्फ मुंह में बांधा हुआ था वो, तो मेरे को डाउट उन्हीं के ऊपर था। उसके बाद धीरे धीरे CCTV 3-4 CCTV फुटेज वहां का देखे ना, तो वहां से हम लोगों को स्पष्ट धीरे धीरे पता चलने लगा। उसके बाद हम लोग और हमारे TI सर बहुत हमारा साथ दिए, ध्रुव सर मैं उनका आभारी हूँ, और जितना भी हमारे IG सर, SP, DSP और पूरा पुलिस स्टाफ का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मेरा बेटा सुरक्षित है। जो आज किडनैपिंग का इंसिडेंट हुआ, सुबह करीब 9:30 बजे बच्चे की किडनैपिंग कर ली गई, और उसके कुछ घंटे बाद जब बच्चा घर पे नहीं पहुंचा और स्कूल में एब्सेंट था, जब ये जानकारी मिली तब ये चीज़ें पुलिस के संज्ञान में आई। और ये चीज़ संज्ञान में आते ही इसको बहुत ही गंभीरता से लेते हुए पुलिस की सारी टीम्स एक्टिव कर दी गई, और जो सबसे पहले जो कॉल ड्राइवर को आया था वहाँ से हम लोग इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, और पूरी 6 टीमें हम लोगों ने इसमें लगाई, और शाम 5:30 बजे तक हम लोगों ने बच्चे को सबसे पहले रिकवर किया। इस पूरे केस में सबसे पेचीदगी यही थी कि हम लोग को बच्चे को सकुशल रिकवर करना था, तो सबसे पहले हम लोगों ने बच्चे को रिकवर किया, उसके बाद में फिर आरोपी को भी जो मेन किडनैपर था वो पकड़ में आया। इस पूरी टीम में, इस पूरे कार्य में बलौदा बाजार जिले के अलावा रायपुर की भी टेक्निकल टीम थी, और डबरा से जहां से बच्चे को बरामद किया गया है, जहां से आरोपी को अरेस्ट किया गया, तो डबरा की पुलिस का भी इसमें हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला, तो सबसे मिल करके ये काम आज सक्सेसफुली हम लोग बच्चे को रिकॉर्ड। वही दूसरी ओर बच्चे के परिजन अपने बच्चे को अपने पास पाकर खुशी से उनकी आंखें नम हो गईं और पुलिस अधिकारियों का आभार व्यक्त किए। इस पूरे मामले को सुलझाने में एहतियात भी बरता गया, क्योंकि थोड़ी सी चूक में बच्चे की जान भी जा सकती थी। आरोपी को बच्चे ने पहचान लिया था, इसलिए जान जाने का खतरा बना हुआ था।
इस पूरी सफलता में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज श्री आनंद छाबड़ा, पुलिस अधीक्षक बलौदा बाजार प्रशांत अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक एटीएस दीपमाला कश्यप की 6 टीमों की भूमिका उल्लेखनीय रही। आईएनए 24 के लिए बिलाईगढ़ से विजय सोनी की रिपोर्ट। भारत एल्युमिनियम कंपनी यानी बाल्को में 70वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बाल्को के सीईओ विकास शर्मा ने ध्वजारोहण किया और फिर राष्ट्रीय गान के तुरंत बाद मार्च फास्ट और परेड का अवलोकन किया। 70वें गणतंत्र दिवस पर सीईओ ने देश प्रदेश की प्रगति के लिए बाल्को की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस पूरे आयोजन के मौके पर बाल्को के सभी विभागों के अधिकारी, बाल्को से जुड़े अलग अलग सदस्य और बड़ी संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं के परिजन मौजूद रहे। रंगारंग कार्यक्रम का लुफ्त उठाने पहुंचे बाल्को वासियों का भी स्टेडियम में जमावड़ा नजर आया। चापा रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण और रायगढ़ सारा गांव लाइन में चल रहे नॉन इंटरलॉकिंग की वजह से करीब 12 दिनों के लिए बंद की गई रेल सेवा के बीच रेलवे ने कोरबा के लोगों को बड़ी राहत दी है। नए टाइम टेबल के मुताबिक कोरबा से रायपुर के बीच चलने वाली हसदेव एक्सप्रेस को फिर से बहाल कर दिया गया है। अब हसदेव एक्सप्रेस अपने नए टाइम टेबल के मुताबिक रायपुर के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन बिलासपुर तक पैसेंजर के तौर पर चलेगी, जबकि बिलासपुर के बाद रायपुर तक फिर एक्सप्रेस रूप में दौड़ेगी। नए फैसले में इसका विस्तार ग्योरा स्टेशन तक कर दिया गया है। वहीं इसके पहले जो सुबह मेमू का संचालन हो रहा था उसे रद्द कर दिया गया है। यूं तो कहने को देश भर में राष्ट्रीय पर्व के मौके पर प्रशासन के तरफ से ड्राई डे घोषित किया जाता है। ड्राई डे यानी ऐसा दिन जब ना ही किसी तरह का मदिरा पान किया जा सकता है और ना ही मांस मच्छी का सेवन। प्रशासन ऐसे मौकों पर इन दुकानों को भी बंद रखता है। लेकिन शायद प्रशासन और शासन के इस आदेश से करतला ब्लॉक के शासकीय कर्मचारियों को कोई सरोकार नजर नहीं आता, बल्कि उल्टे गणतंत्र दिवस के ही दिन छात्रावास के बच्चों को चिकन परोसा गया। दरअसल यह पूरा मामला करतला विकास खंड के नोंदरहा गांव का है, जहां के ट्राइबल हॉस्टल के बच्चों को गणतंत्र दिवस के दिन चिकन परोसा गया। लेकिन यह सिर्फ एक ही शिकायत नहीं है, बल्कि अधीक्षक अमित धीरज 4 से 5 सालों से पदस्थ हैं, लेकिन आज तक उन्होंने महज 2 से 3 रातें ही अपने हॉस्टल में बच्चों के बीच बिताई है। यहाँ कितने दिन से रह रहे हो आप? 3 साल। 3 साल? 3 साल हो गया आपको? 3 साल में चौथा होने वाला है। 3 साल, 4 साल, 4वें साल में आपके अधीक्षक आपके साथ कितने दिन रुके? पहले आए तो ऐसे 3-4 दिन रुके, उसके बाद नहीं। मतलब 4 साल में 4 दिन रुके हैं? और रुके हैं कब, 1-2 बार, मतलब 6 दिन। ठीक है, आज आपको खाने में क्या मिला? आज चिकन। आज दिन कौन सा है? 26 जनवरी, शनिवार। कौन ला के दिया था चिकन आपको? सर लाए अमित धीरे। कौन लाए थे? आप यहाँ कब से रह रहे हो? 3 साल। 3 साल से रह रहे हो? 3 साल से रह रहे हो। अधीक्षक आपके कितने दिन रहे हैं यहाँ पे अभी तक? 4-5 दिन तो रहे होंगे। 4 साल में? क्या? प्रीतम सिंह। कहाँ के रहने वाले? ग्राम कलगमार। कलगमार से हो? आप यहाँ कब से रह रहे हो? 2 साल। 2 साल से? 2 साल में आप रह रहे हो यहाँ पे। आपके अधीक्षक यहाँ पे कितने दिन रहे हैं? पहले बार आए थे तो 2-3 बार। उसके बाद नहीं। अच्छा, आपको जैसे परेशानी होता है, तबीयत खराब होता है, कुछ परेशानी होता है, ये नहीं तो पहले, उससे पहले कौन लेके जाता था आपको हॉस्पिटल वगैरह? जो गजरात। क्या क्या सुविधा मिलता है आपको महीने में? साबुन, नहाने का साबुन कितने तो मिलता है? एक। कपड़ा धोने कितना मिलता है? एक। रोज खाने में क्या मिलता है? रोज आलू भाटा। और गोभी। नाश्ते में क्या मिलता है? पोहा। कितने बजे मिलता है? 7 बजे। 6 से 7 के बीच में सर। यह दावा खुद ट्राइबल स्कूल के छात्र और वहां पदस्थ चौकीदार कर रहे हैं।
उनका भी मानना है कि यहां के अधीक्षक को उन्होंने शायद ही कभी हॉस्टल में ठहरते हुए देखा हो, जबकि शिक्षक विभाग का यह साफ फरमान है कि कोई भी अधीक्षक अपने हॉस्टल से अलग नहीं रहेगा, लेकिन शायद नोनदरहा के इस हॉस्टल अधीक्षक को इन आदेशों से कोई सरोकार नहीं। आपके अधीक्षक धीरज, अमित धीरज जी, यहाँ पे हमेशा रुकते हैं क्या? हमेशा नहीं रुकते हैं। अभी तक कितने बार रुके हो? अभी तक तो मेरे ख्याल से अभी तक एक भी बार नहीं रुके हैं अभी मेरे रहते हुए। आप कितने महीना हो गया आपके यहाँ? मुझे लगभग अब 7 चल रहा है, लगभग अब पूरा होने वाला है। 7 महीने से आप रह रहे हैं यहाँ पे, एक भी बार नहीं रुके? एक भी बार नहीं। ठीक है, आज बच्चों को कौन सी खाना दिया? आज अभी का खाना बताऊं कि दोपहर का। दोपहर में आप लोग क्या खाना दिया बच्चों को? दोपहर में तो हम लोग चिकन दिए हैं बना करके। चिकन ला के कौन दिया था? अधीक्षक सर अमित धीराज। ठीक, यहाँ बच्चों को और कोई असुविधा? सुविधा वही जो लोग ये लोग बताए हैं उनसे कबूल कीजिए, वही सब तो है। अब देखना होगा कि हॉस्टल अधीक्षक के इस मनमाने रवैये पर जिला शिक्षा अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं। जबकि अपने हॉस्टल से बाहर रहना और गणतंत्र दिवस यानी शुष्क दिवस के दिन मांस मछली परोसा जाना दोनों ही अपने आप में कई बड़े और गंभीर सवाल खड़े करते हैं। INN24 के लिए करतला से मनोज मानिकपुरी की रिपोर्ट। शहर में इन दिनों सामाजिक बैठकों का दौर जारी है। नई सरकार से अपनी पुरानी मांगों को लेकर तो कहीं सामाजिक सौहार्द बढ़ाने इस तरह के बैठकें देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में महरा वस्त्रकार समाज ने भी शहर में एक सामाजिक बैठक करते हुए अपनी समस्याओं और उनके निराकरण पर चर्चा की। इसके तहत वस्त्रकार समाज ने युवक युवती परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया था। समाज के प्रमुख सूरज कुमार ने बताया कि उन्होंने इस समारोह में राजस्व मंत्री को आमंत्रित किया था, लेकिन वह नहीं पहुंच सके। उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जातिगत व्यवस्था और नए प्रावधान की वजह से आई विसंगतियों की वजह से उनका जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहा है, लिहाजा इन्हीं परेशानियों पर विचार मंथन करने के मकसद से महरा वस्त्रकार समाज की यह महत्वपूर्ण बैठक CSEB जूनियर क्लब में बुलाई गई थी। कोरबा में हमारा महरा वस्त्रकार समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन और जाति के संबंध में एक सम्मेलन किया जा रहा है। इस संबंध में हमने माननीय जयसिंह अग्रवाल जी को आमंत्रित किया था, कुछ कारणवश वो नहीं आ पाए। उनका आने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हमारी जाति की एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है। अब पिछली सरकार ने जाति के संबंध में जो व्यवस्था 4-5 महीने पहले दिया गया था कि हमारी जाति की जो कैटेगरी है वो उस कैटेगरी को एक उचित अनुसूची में डालना चाहिए था, जो कि पिछली सरकार ने गलतीवश 28 जातियों को बिना अपने अधिकार क्षेत्र से जाते हुए उसको पारण किया। और आज ये एक विकराल समस्या खड़ी हुई है कि हमारे समाज की कहीं भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं। आज हमारा समाज इतना इस काम से परेशान है, कम से कम 50 सालों से समस्या हमारी थी और जिसको विगत पिछली सरकार ने और विकराल कर दी। तो इस संबंध में ही एक सम्मेलन का हम आयोजन कर रहे हैं और ये बात हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से देना चाहते हैं कि इस समस्या को तत्काल समाप्त करें और हमारी जो कैटेगरी है उसमें संरक्षित किया जावे और हमारी जो जाति की जो समस्या जो चली आ रही है उसको तत्काल ख़त्म करें। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यही है कि आज हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 50-60 साल से जब से भारत स्वतंत्र हुआ है उसके बाद से ही हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सिर्फ अपनी जातिगत समस्या को लेकर के, और कैसा भी करके हमारी जाति को एक श्रेणी मिला दिया था जो कि अवैध तरीके से लाया था, इसलिए हमारे समाज के कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, जिसके चलते हम पुनः ज्ञापन सौंपना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को, श्री भूपेश बघेल जी को, और वह हमारी समस्या का समाधान करें। हम यही आशा और उम्मीद के साथ उनको ज्ञापन अभी सौंपेंगे, अपने प्रतिनिधि को भेजे हुए हैं, हमको उनको ज्ञापन देंगे और वहां जाकर के वहां तक पहुंचाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 के साथ। INN24 यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। वेब चैनल के लिए लॉग इन करें www.inn24news.in। नमस्कार। Please keep watching INN 24.